पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं, हम केस लड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रिडिक्शंस गलत हुई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। A major short seller Hindenburg Research ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब अडानी को तो हर कोई जानता है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। ये आदमी प्रोफेशन से एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है, बड़ा ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शॉर्ट में समझ लो कि ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर इन्फॉर्मेशन पता लगानी आसान नहीं होती, अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एटिपिकल सोर्सेज। एंडरसन की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से करी थी, इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद ये अमेरिका मूव किए थे। अपने फाइनेंशियल करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई साल 2017 में तो इस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था।